ये ऑनलाइन गेम मजेदार और हानि रहित लगते हैं। कुछ तो पुराने खेल की तरह भी दिखते हैं। माता पिता को लगता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज है और कहानियां भी बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण होती हैं, मनमोहक होती हैं। बच्चे इसमें खो जाते हैं और आप जानते हैं बाल शिकारी वहां पहुंच जाते हैं जहां बच्चे होते हैं। हमारे बेटे के साथ हम बहुत सख्त हैं। स्कूल के बाद उसके पास होमवर्क के लिए कुछ घंटे होते हैं, फिर खेल के लिए एक घंटा, इतना ही, बस इतना ही। लेकिन बात यह है कि इन खेलों में से कुछ खेलों में माता पिता का नियंत्रण नहीं होता। हमने ध्यान देना शुरू किया, हमने देखा वो अपने समय से ज्यादा खेल रहा है। आपको पता है लैपटॉप हमारी नजरों के सामने से गायब हो गया। हमने उसे कई बार झूठ बोलते पकड़ा, वो हमारी आंखों से बचता रहता था। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था, बिल्कुल भी। एक रात वो घर आया और लैपटॉप वहीं पड़ा था। उसमें हमने मैसेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस देखे। हमें ये पता चला कि उसे किसी ने भेजी थी और उससे कह रहा था कि वो भी ऐसा करे। उनमें से एक शिकारियों द्वारा घसीटा गया था। ये डार्क वेब का पता चला, आपको पता है, ये बहुत ही भयानक था। ऐसी चीजें मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। और मेरा बेटा जो कि अभी सिर्फ 10 साल का है, मैं क्या बताऊं, ये बहुत ही दर्दनाक था। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास होना चाहिए था। मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। ये असलियत में हर माता पिता का बुरा सपना है। हम तुरंत पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस ने बताया कि ये हमारे बेटी की गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने ऐसा किया है, वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। पुलिस ने उसी वक्त सारा डेटा मिटा दिया। अगर वो भूत था तो वो अभी भी वहां होगा। बच्चे हमेशा नई चीज देखना पसंद करते हैं और वहां मिल जाते हैं उन्हें ऐसे लोग। और बच्चों को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा व्यक्ति है और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि ये सच नहीं है, ये अजनबी है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अगर मेरे बस में चीजें होती तो मैं ये गेम, एप्स, ये सारी चीजें बंद करवा देता। लेकिन ये सारी चीजें मेरे बस में नहीं है। वो किसी भी बच्चे से सिर्फ 2 मिनट में संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे की जासूसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चे की ऑनलाइन हरकतों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो किसी भी अजनबी से बात करके उसके संपर्क में आ सकता है। हमें अपने बच्चों को ऐसे गेम्स, ऐसे डिवाइसेस से दूर रखना होगा और उनका साथ देना होगा और बच्चों को रोकना होगा कि वो ऐसा ना करें। बस अब हमें सीखना है कि हम अपने बच्चों को इन सब से कैसे बचाएं, ऑनलाइन क्या होता है। माता पिता को ये सारी चीजें सीखनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हमारे बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होगा।